वेलकम टू अजमेर रसोई। आज हम बेसन की बर्फी बनाएंगे। ये राजस्थान में बहुत ज़्यादा बनाई जाती है और ये बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए बेसन 2 कप, ये करीब 200 ग्राम है। नारियल बूरा, ये मैंने 2 कप लिया है, ये भी 200 ग्राम है। शुगर 1.5 कप, ये करीब 300 ग्राम है। घी 3/4 कप, ये 100 ml है। और 5-7 इलायची। सबसे पहले कढ़ाई में हम घी डालेंगे। अब इसमें हम बेसन डालेंगे। इसे हमें हल्का ब्राउन होने तक भुनना है। मैंने गैस को मीडियम फ्लेम पर रखा है, अगर ये जलने लगे तो आप इसे लो फ्लेम पर कर दें। हमें इसे ऐसे ही चलाते रहना है। ये हमारा हल्का ब्राउन हो चुका है, अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे और ये उस टाइम में थोड़ा सा और ब्राउन हो जाएगा। अब हम एक पैन में नारियल का बूरा डालेंगे और इसको हल्का सा भून लेंगे। हम इसे लो फ्लेम पर करीब 2 मिनट तक भुनेंगे, जब तक इसमें से खुशबू आने लग जाएगी। हमारे नारियल के बूरे में से खुशबू आने लग गई है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। उसी पैन में इसकी चाशनी तैयार करेंगे। इसके लिए हमने इसमें शुगर डाली है और अब हम इसमें 1 कप पानी डालेंगे। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। ये हमारी शुगर अच्छे से घुल चुकी है, अब हमने इसमें इलायची पाउडर डाल दिया है। हमें इसकी एक तार की चाशनी तैयार करनी है। ये हमारी चाशनी तैयार हो चुकी है, अब हम इसे चेक करेंगे। इसके लिए हम चाशनी की 1 ड्रॉप को 1 बाउल में डालेंगे और इसे थोड़ा ठंडा कर लेंगे। ये देखिए, हमारी एक तार की चाशनी तैयार है। अब हम गैस के फ्लेम को वापस ऑन करेंगे और इसे लो करके इसमें नारियल का बूरा डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा नारियल का बूरा अच्छे से मिक्स हो चुका है बेसन में। अब हम इसमें चाशनी डालेंगे। चाशनी को हम बहुत जल्दी से अच्छे से मिक्स कर फटाफट इसे हम ट्रे में सेट करने के लिए डालेंगे। ये देखिए, हमारा गाढ़ा हो चुका है, अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ट्रे में डालेंगे। ट्रे के मैंने पहले ही घी लगा लिया है, अब हम इसे जल्दी से इसमें सेट कर देंगे। ये देखिए, हम इसे इस तरह से अच्छे से सेट कर लेंगे। अब हम इस पे थोड़े से पिस्ता, काजू और बादाम लगा लेंगे। अब हम इस तरह से स्पून से इनको अच्छे से दबा देंगे। अब हम इसे गरम गरम में ही पीसेस में कट कर लेंगे। अब हम इसे 4 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे सेट होने के लिए रख देंगे। हमारी बर्फी को 4 घंटे हो चुके हैं और ये देखिए, ये सेट हो चुकी है। मैं आपको इसे निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये कितनी अच्छी बनी है। इसे आप खाएंगे तो ये मुंह में जाकर घुल जाएगी, ये बहुत ज़्यादा अच्छी बनी है। चलिए मैं आपको दूसरी भी एक निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी बनी है, ये अच्छे से सेट हो चुकी है। आप इसे इजीली बना सकते हैं। आप बेसन की बर्फी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी और आपको बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें
और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें।